इंद्रिय निग्रह का क्या है जो कथा उपनिषद कहता है वो रथ की तरह एक एग्जाम्पल देता है कि रथ जो है उसमें जो बैठा हुआ है जो पैसेंजर है वो है आपकी आत्मा ये भगवत गीता में भी आता है और जो घोड़े हैं वो है सेंस ऑर्गन्स अब घोड़े को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो रथ को तो कहीं ले नहीं जाएगा जहां चना दिखेगा वहां घोड़ा चला जाएगा सारथी को आपने मैप दे दिया सारथी को बुद्धि कहा जाता है सारथी को मैप दे दिया गया फिर भी मैप देने से वो जाएगा नहीं रथ तो हम कहते हैं कि लगाम जो घोड़े और सारथी के बीच में है लगाम उसको हम लोग कहते हैं मन ठीक है तो आ, पैसेंजर सही जगह तब जाएगा जब लगाम कंट्रोल में होगा ठीक है और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राण कंट्रोल करना पड़ता है और प्राण को कंट्रोल करने के लिए श्वास कंट्रोल करना पड़ता है एज सिंपल एज दैट ये जो बुक है ऋषि इंटेलिजेंस ऐसा लिखने का मन भी क्यों किया मैं क्यों इसे लिखूं क्योंकि अभी पिछले चार पाँच साल से एक ट्रेंड है कि कुछ भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स होती है तो कोई ना कोई ये ज़रूर कहता है कि ये हमारे वेद में लिखा हुआ है अब पॉइंट है कि इसमें दो कैटेगरी के, के लोग आते हैं एक बोलते हैं कि हमने जीरो दिया आर्यभट्ट है हमारे पास भास्कराचार्य हैं फाउंडेशनल मैथमेटिक्स दिया और दूसरी कैटेगरी है जो कहते हैं कि विमान शास्त्र भी हमारे पास था एरोनॉटिकल साइंसेस और इन बिटवीन कुछ बात नहीं होती है मतलब फाउंडेशनल बात होती है फिर सबसे एडवांस अप्लाइड साइंस जो है वहां पर फिर बात होती है और पॉइंट ये आता है कि एक एक ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा था तो एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा कि इफ यू कैन प्रूव यू हैव समथिंग लाइक माइक्रोस्कोप देन वी कैन बिलीव समथिंग लाइक यू हैव और ऋषि ऋषिकनाद हैव गिवन दी एटॉमिक थ्योरी बिना माइक्रोस्कोप के कैसे किया आपने सही बात है बिना टेलीस्कोप के आप नक्षत्रों को कैसे देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है लैब कहाँ है आपके मैथडोलॉजी क्या है रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है प्रोसेस क्या है है ना जब तक आप वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो ये जो क्लेम है ये आ, ओवर द टॉप जाते हैं लोग विश्वास नहीं करते हैं ये कहते हैं ये तो ठीक है आप इंटरप्रेट कर रहे हैं आप हमें डिटेल्ड साइंस के बारे में कुछ बात करिए है।, है ना फिर एक और ग्रुप आता है जो कहता है कि यूरिन से बहुत कुछ ठीक हो सकता है ठीक है तो इन सारे प्रॉब्लम्स में आता क्या है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बहुत सारे क्लेम्स आते हैं बट कोई बताता नहीं है कि उसमें है क्या मतलब एक्चुअली वेद में कहाँ पे साइंस की बात हुई है है ना और हमारा साइंस किस तरह से सोचता है रिसर्च कैसे करता है तो ए आई वर्सेस ऋषि इंटेलिजेंस ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ए आई की जर्नी को जब आप देखेंगे तब कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे ऋषि इंटेलिजेंस की भी जर्नी को कि ए आई डेवलप कैसे हुआ ठीक है ए आई अभी फेमस हुआ है प्रचलन में आया है बट ये नाइनटीन फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज से चल रहा है, है ना ये बहुत लंबा डेवलपमेंट है ए आई में भी और ए आई का जो है पर्पज क्या है कि इमिटेट करना चाहता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को फंडामेंटली एक जो मशीन है जो लॉजिक में बस सोचता था जो गेट होता है ना वन और जीरो बाइनरी लॉजिक में जो सोचता है वैसे मशीन सोचते थे लेकिन अब हम चाह रहे ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह सोचे इमोशनल भी हो जाए है ना बाइनरी आंसर्स ना दे तो जितना वो इमिटेट करेगा उतना वो ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा जो फेस लॉक है फोन में है है ना वो इमेज बाइनरी लॉजिक जो है उसको डिकोड नहीं कर सकता है उसमें एक ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए हमारे पास जब भी आप इंटरनेट सर्व करते हैं क्योंकि है, है कर है कर है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और उस प्रोसेस को मैं बताता हूं जो शास्त्र में हमारा कहा जाता है अरुंधति न्याय अरुंधति न्याय क्या होता है कि जाना, जो आपको पहले पता है वहां से शुरुआत करना हमारे प्राचीन जो सबसे अच्छे टीचर्स होते थे वो ऐसे ही स्टार्ट करते थे जो आपको मालूम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी अननोन तक जा पाएंगे और ये प्रथा जो है वो शादी में होती थी मतलब शादी हो चुकी है अब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के एक अरुंधति नक्षत्र और तारे को ढूंढना है और बताना है कि स्काई में आसमान में कहाँ पर है वो तारा अब तारे को सीधा सीधा पॉइंट आउट करना बहुत कठिन काम है तो उसका एक प्रोसेस होता है कि देखो वो पेड़ के पास पहले देखो पेड़ के उस टहनी के पास देखो धीरे 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 उस तारे तक पहुंचा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अरुंधति न्याय और इसी प्रोसेस से चीजों को पढ़ाया जाता है तो पहला जो स्लाइड है वो है कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है तो उसमें पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट परसेप्शन अब बहुत लोग ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है लेकिन पहली बात यह है कि प्रत्यक्ष ही इट्स अ प्रमाण तभी कोर्ट में जो है लॉयर्स कितना भी अच्छा डिबेट कर लें सबूत और गवाह चाहिए होता है विटनेस चाहिए होता है किसने प्रत्यक्ष किया है देन हम कंक्लूड करते हैं तो प्रत्यक्ष क्या होता है एक प्रमाण होता है दूसरा है अनुमान इनफेरेंस अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है अनुमान का जो हम सन को देखते हैं तो सन को किसी ने नहीं देखा है यहां से मूव करते हुए डिस्प्लेस करते हुए देखा है सन को बस तो हम क्या करते हैं कि बचपन से हमने देखा है कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो साइकिल जब मूव करता है तो डिस्प्लेस करता है तो कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें इनहेरेंट मोशन होगा अगर मोशन नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट से जज करते हैं कि मोशन है तो आपने क्या किया इन्फर Infer किया इन्फेरेंस लिया यहां पर यह दिख रहा है डायरेक्ट परसेप्शन बट डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है ना आपने इन्फर किया तीसरा है उपमान एनालॉजी एक बच्चे को जीब्रा के बारे में बताना है और आपने खुद तो आप साइंस तो आप में, में हम सीधे सीधे बातों को नहीं बता पाते हैं तो हम क्या कहते हैं एनालॉजी देते हैं तो एनालॉजी को भी वैलिड मीन ऑफ नॉलेज में कंसिडर किया जाता है और फोर्थ है शब्द प्रमाण टेस्टिमोनियल्स अब जो भी रिनाउम्ड साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर होते हैं तो उनकी टेस्टमोनियस जो उनके रिसर्च पेपर हैं उसको हम लोग वैलिड मानते हैं और हम लोग फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर करने नहीं जाते हैं एक डिस्कवरी हो जाती है वो एक वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ है उस प्रूफ को ही हम इनिशियल एब्जाम्शन लेके आगे का काम करते हैं तो चार जो है वो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज ये ऋषि गौतम बताते हैं अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण अब इसमें जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण आंख से जब तक आप नहीं देखेंगे सबसे ज्यादा संतुष्ट आप उसमें ही होते हैं ठीक है थीके? जो भगवान वाला भी जो डिस्कशन होता है तो बोला किसने देखा है तो प्रत्यक्ष क्योंकि नहीं देख पा रहे हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते जो मानते भी है वो भी थोड़ा डाउट करते हैं कि है कि नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण की लेकिन एक कमी ये है कि ये टाइम के डायमेंशन में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होता है अगर पास्ट में कुछ प्रत्यक्ष है तो वो फिर इन्फर हो गया इन्फरेंस हो गया मेमोरी से और मेमोरी प्योर नहीं होती है उसमें डिस्टोर्शन होता है ठीक है तो इसको अगर हम वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज करेंगे तो साइंस इन चारों को कैसे ट्रीट करता है वो ये कहता है कि आपके सेंस ऑर्गन की कैपेबिलिटी नहीं है आपकी आंख की कैपेबिलिटी नहीं है माइक्रोस्कोपिक देखने के लिए दैट्स वाई वी वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट आप दूर नहीं देख सकते हैं इसलिए आपके पास टेलीस्कोप होनी चाहिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण को एम्प्लीफाई करने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप है नव अनुमान प्रमाण अब जो अनुमान है इन्फरेंस है वो भी बेसिकली बायस्ड होता है क्यों क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का यूज होता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस का तो इसको कौन सप्लीमेंट करता है डेटा और आज के टाइम में हम कहते हैं बिग डेटा जितना ज्यादा डेटा होगा जितना ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होगा उतना ज्यादा वो वैलिडेट हम उसको करते हैं तो अनुमान में डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ये पूरा आता है और प्रत्यक्ष में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ठीक है शब्द में ऑब्वियसली टेस्टिमोनियल हम ऋषि के लें या साइंटिस्ट के लें शब्द प्रमाण में एक और खास बात क्या है कि अभी के जो साइंटिस्ट हैं उसमें हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं बट क्या होता है वो पब्लिकेशन एजेंसीज के डायरेक्शन में जरूर काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ साइंस अब वैसा डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक आपको प्रोडक्ट कुछ आप नहीं कर रहे हैं बिजनेस मॉडल डेवलप नहीं कर सकते तो वैसे रिसर्च को वैसे कोई प्रमोट ज्यादा किया नहीं जाता है ठीक है तो शब्द प्रमाण इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दब्लिकेशन एजेंसीज ये भी हमें देखना पड़ेगा तो जब हम ऋषि इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कॉग्निटिव सेंटर्स या कॉग्निशन कैसे होता है उस पर अगर हम बात करें इंग्लिश में हम कहते हैं माइंड अब उसको कुछ लोग सबकॉन्शियस कॉन्शियस अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस सुप्रा मेंटल कॉन्शियस ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है कॉग्निटिव साइंस में हमारे जो शास्त्र हैं उसमें चार जो टर्म है वो यूज होते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार अब संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा अहंकार घमंड नहीं होता है संस्कृत में अहंकार में होता है मतलब कि ओनरशिप की ये काम आप कर रहे हैं कोई और नहीं कर रहा है मतलब एक अगर एग्जाम्पल मैं दूं कि चोर को आपने देखा अब आपके मन में आएगा इसको पकड़ू चिल्लाऊ या छोड़ दूं। ये मन का काम है मन ऑप्शंस ढूंढता है ठीक है बुद्धि डिसाइड करता है छोड़ देते हैं या पकड़ते हैं कोई एक काम जो करता है उसको कहते हैं बुद्धि बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग फंडामेंटली बुद्धि डिसीजन मेकिंग करता है और अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है मतलब हम बोल रहे हैं बुद्धि स्ट्रांग नहीं है इंटेलेक्ट का फंडामेंटली एडेप्टबिलिटी और डिसीजन मेकिंग से उसका संबंध होता है मन का काम ही है ऑप्शन देना और कंफ्यूज करना चित्त का काम है पास्ट इंप्रेशन को यूज में लाना यह फंडामेंटली हार्ड डिस्क होता है हमारे माइंड का कि हमने देखा है मूवीज में देखा है या कहीं सुना है तो उस मेमोरी को हम रिकॉल करते हैं और उसके हिसाब से जो प्रेजेंट मोमेंट का जो डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है आपकी अपब्रिंगिंग आपके दोस्त आपका जो जीवन है कैसे आप ग्रो हुए हैं वो सारे मेंटल इंप्रेशन चित्त में स्टोर होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं मन को और बुद्धि को और फोर्थ है अहंकार मतलब चोर आप ही की तरफ दौड़ रहा था आपको पकड़ना है आपको बचाना है ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है आईनेस है उसको अहंकार संस्कृत में कहते हैं ठीक है थीके? इसके बढ़ जाने को घमंड कहा जाता है ठीक है ये नेचुरली अगर ये नहीं होगा तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हो रहा है कि किसी और के साथ हो रहा है तो ये अंतकरण इन चारों को कहा जाता है अब ये बड़ा टर्म यूज होता है अंतकरण शुद्धि करनी चाहिए अब अंतकरण बहुत बार यूज होता है लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता होता है करण हो गया इंस्ट्रूमेंट अंत मतलब हो गया इनर इंस्ट्रूमेंट तो आउटर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है स ऑर्गन्स हाथ पैर जो आप करते हैं दौड़ते हैं तो पैर से दौड़ रहे दैट इज दउटर इंस्ट्रूमेंट बट इनर सेल्फ में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं अंतकरण ठीक है अब बेसिक टर्मिनोलॉजी आते हैं ए आई के अब ए आई का जो फंडामेंटल काम क्या था कि यह है इमिटेड इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर उसका सबसेट में आता है मशीन लर्निंग कि हम मशीन को कुछ ऐसा चीज सिखाना चाहते हैं कि हमको हर चीज के लिए कोडिंग ना करना पड़े वो बाय सेल्फ वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट रिग्रेशन एनालिसिस पास्ट जो एल्गोरिथम से उससे ही वो एक इमरजेंट प्रॉपर्टी की तरह उस चीज़ों को सीखने लगे तो उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग और जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हम कहते हैं डीप लर्निंग जहाँ पे न्यूरॉन्स की समझ जो हमारी बॉडी में है कि न्यूरल नेटवर्क या जो हमारे स्टुमली है ब्रेन कैसे फंक्शन करता है जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है हमारे पूरे बॉडी में उसको कैसे हम इमिटेट कर पाएँ और उसको एल्गोरिथम में डाल करके हम एआई को समझा पाए दैट इज़ द डीप लर्निंग तो डीप लर्निंग फंडामेंटली बाइनरी लॉजिक और ये सबसे बहुत ज़्यादा परे है और ये एक सिंपल एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेश्स नहीं होता है है ना तो यहां पर आप देखेंगे कि फंडामेंटली न्यूरोन्स को ये कैप्चर करना चाहते हैं उसमें सारी टेक्नोलॉजीज वो लगाते हैं कि वो फॉस्फोरेंट ट्यूब्स होगा फॉस्फोरेंट लाइट्स होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं कैसे एक एक जो एक्शंस है डेंड्राइट्स है कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उन सारे चीज़ों को अगर हम इमिटेट कर पाए तो हम एक एल्गोरिथम डेवलप कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा फास्ट होगा और ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू करेगा एल्गोरिथमिक अप्रोच में ठीक है तो ए का जो कॉम्पेरिजन वाला जो पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं वो है डीप लर्निंग वाला पार्ट ठीक है अब ये बेसिकली एक दो अलग अलग डायग्राम हैं इसमें हम न्यूरॉन्स देखते क्या है बिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं और सब इंटरकनेक्टेड होते हैं तो एक सिंगल चैनल नहीं है मतलब इनपुट जो है वो मल्टीपल चैनल्स होगा है ना और फिर एक उसमें लीनियर फंक्शन वो हम इजी करने के लिए वहां पर लाते हैं बट उसके आगे एक एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन आउटपुट आता है और ए में फंडामेंटली क्या करते हैं कि हम एरर को वापस से फीड करते हैं सिस्टम में कि मतलब ट्रेनिंग देनी पड़ती है एआई को भी पहले ट्रेन करना पड़ता है तो हम एक इनपुट देते हैं फंडामेंटली देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो सही आया है कि गलत आया है अगर सही आया है तो फीडबैक सही जाएगा गलत आया तो वापस से जो इसके बाइसेस हैं या वापस से जो इसकी वेट मेजर्स जो हम कहते हैं प्रोपोर्शनस है उसमें मतलब मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वापस से रीएडजस्ट होते हैं अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ऊबर है तो ऊबर का किस टाइम पे एक व्यक्ति को लग रहा है कि ये ज्यादा प्राइस है इसको मैं कैंसिल कर देना चाहिए क्या पीक आवर टाइम होता है जो जो डायनेमिक प्राइसिंग प्राइसिंग होती है है तो वहां पर एआई का फंडामेंटल यूज है कि इस टाइम पे ये लोग लॉक कर देते हैं कम किलोमीटर में भी तो ये वाला जो है कैसे आया है कि उनको बार बार जो डेटा है उसको मिला है तो जितना ज्यादा डेटा मिलते जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा उतना ज्यादा स्मार्ट होते जाता है सिस्टम ठीक है तो फंडामेंटली आउटर वर्ल्ड से क्या डेटा आ रहा है वो डिसाइड करता है ए के इंटेलिजेंस को अब ये यहां पे एक प्रॉब्लम खड़ा करता है मतलब तो आर की जरूरत ही क्यों पड़ती है अब आते हैं सोशल मीडिया पे जो फंडामेंटली सबसे ज्यादा डेटा मिलता है ए सिस्टम को अब सोशल मीडिया पे कोई भी अपने जीवन के सभी बातों को अपलोड नहीं करता है ओनली अचीवमेंट्स या अच्छे मोमेंट्स ऑफ लाइफ को वो अपलोड करता है तो हम लोग जो अपना जीवन है उसका बहुत परसेंटेज कभी बताते नहीं है सोशल मीडिया को शेयर नहीं करते हैं बट डेटा जो है वो बड़ा एक बायस डेटा सिस्टम को जाता है और सिस्टम को क्या डिजाइन किया जाता है कि एडिक्शन कैसे क्रिएट किया जाए कैसे ज्यादा हम लत पैदा करें एडिक्शन रील्स का जो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट है कि एक घंटा बीत गया दो घंटा बीत गया तीन घंटा बीत गया ये मशीन को सिखाया गया है कि कैसे नशा होगा कैसे वो छोड़ेगा ही नहीं तब उनको समझ में आया कि अच्छा इसको दस सेकेंड करना चाहिए कि तीस सेकेंड करना चाहिए सिस्टम तो फंडामेंटली ए क्या है कि इसका जो पर्पस है वो अगेन वो बिजनेस मॉडल को सर्व करने के लिए आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए नहीं है वो आप में और एडिक्शन पैदा करने के लिए ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि कैसे डेटा को फिर अल्जेबरा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलस के थ्रू वो एल्गोरिथमिक अप्रोच में जाता है फिर वो न्यूरल नेटवर्क को इमिटेट करता है और फिर मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है तो ऑब्वियसली 10 साल 20 साल 30 साल 20 30 भी स्ट्रक्चर्ड तो तो और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों होता है उसके लिए न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा सही एल्गोरिथम इनको मिला हर डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है मिक्सड होता है, है तो वहां पर ये जो न्यूरॉन का जो इमिटेशन है वो बहुत ज्यादा काम आता है तो ये जो जर्नी है ए की ये स्टार्ट होती है लॉजिक से जो हम कहते हैं एरिस्टोटलियन लॉजिक ठीक है उसके बाद फिजिक्स दिखता है हमें ठीक है फिजिक्स का भी आप अगर देखेंगे तो फिजिक्स जो है एंटी चर्च जब होता है तो चर्च फिर मैथमेटिक्स पे काम करता है कि साइंस के अगेंस्ट हमें एक वापस से कुछ एक पावर खड़ा करना पड़ेगा नहीं तो चर्च जो है वो ऑब्सुलेट हो जाएगा तो मैथमेटिक्स को सपोर्ट करता है चर्च और साइंस जो है एंटाई चर्च जो है वो आता है ठीक है और जब लॉजिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में मिलते हैं तब आगे जाकर के अप्लाइड साइंस और फिर इंजीनियरिंग में आती है कन्वर्ट होती है और फिर हमारे हाथ में प्रोडक्ट्स आते हैं अब जब प्रोडक्ट्स है हमारे हाथ में तब हम साइंस को मानते हैं अगर हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता तो साइंस भी एक फिलोसफी मानते हैं और डिबेट करते साइंस को हम नहीं मानते हैं जिसका हाथ में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाए कुछ प्रूफ आ जाए डे टू डे लाइफ में उसका वैल्यू हो उसमें हम डिस्कस नहीं करते कि वो सही है या गलत है है ना उसको हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है सेम फॉर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जब तक ब्लैक होल या जब तक कोई सब्सटैंशियल डिस्कवरी नहीं होती उसको एक थ्योरी ही मानते हैं है ना पचास साल से वो थ्योरी ही थी जब तक कुछ डिस्कवरी हम नहीं कर पाते हैं तब तक वो साइंस वैलिड नहीं होता है इसको अगर हम ऋषि इंटेलिजेंस से कंपेयर करें तो पहला जो आता है उसको हम कहते हैं न्याय दर्शन न्याय दर्शन तर्कशास्त्र इसका सबसेट होगा ऋषि गौतम ने नहीं दिया सोलह रूल्स उन्होंने दिया सिक्सटीन रूल्स उसमें दो तीन बातें बहुत फंडामेंटल है वो कहते हैं कि जब हम डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं तो एक व्यक्ति को एक ही एग्जाम्पल देना चाहिए दो या तीन एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए और एग्ज़ाम्पल ऐसा होना चाहिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं एक होता है नैसर्गिक बॉन्ड टैलेंटेड वो तुरंत कॉम्प्रिहेंड कर लेता है ग्रेफ्स कर लेता है और दूसरा होता है वैनयिक विनय जिसमें होता है मतलब वो हार्ड वर्क से उसने इतना पढ़ाया इतना मेहनत किया कि अब वो एक लेवल तक पहुंच गया है जहां पर उसकी समझ बहुत अच्छी हो गई है उसने मेहनत से अपने ब्रेन को नर्चर किया है इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है जो ना तो बॉन्ड टैलेंटेड होता है ना मेहनत से उसको समझ में आता है उसको भी एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए ये ऋषि गौतम कहते हैं अगर वो एग्जाम्पल समझ में उसको नहीं आ रहा है इसका मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहे इट्स लाइक फाइव स्टैंडर्ड में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल इसलिए श्लोक आपको दिखेगा काक चेष्टा बको ध्यानम कौए जैसी चेष्टा होने चाहिए बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए आगे आता है वैशेषिक अब ये जो बात होता है कि हमारे पास भी क्वांटम फिजिक्स है आ, ये जो पूरा है ये ऋषि कणाद ठीक है इसको इंटरनेट में देखिएगा मिस प्रोनाउंसिएशन बहुत होता है कन्ना कोई कहते हैं कोई कनादा कहते हैं बट कणाद है ये ठीक है थीके? ये जो इनका नाम है इन्होंने दिया है वैशेषिक दर्शन दिस इज दर्शन जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज्यादा कम एक्सप्लोर किया गया क्यों क्योंकि संस्कृत में जो काम हुआ वो लिटरेरी वर्क में ज्यादा हुआ कालिदास पे काम हुआ है ना जब अभिज्ञान शाकुंतलम पे अगर हम कहें तो लिटरेरी समझ रखने वाले बहुत लोगों ने संस्कृत को पढ़ा बट जो साइंटिफिक डोमेन वाले हैं उन वो संस्कृत के तरफ नहीं गए थे तो ये पूरा का पूरा वैशेषिक ये मिस हो गया और यहीं पे फिजिक्स आता है और इसमें एक बहुत जबरदस्त फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपनी बुक में भी मैंशन किया है हम लोगों ने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट पायांग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना उसमें और उसके पहले हम लोग हाइजनबर्ग अनसंटेटनी प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ जब भी हम नापने जाएंगे तो एरर फंडामेंटल इज देयर एरर हमेशा रहेगा और साइंस भी ये कहता है कि क्योंकि कभी भी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो लाइट का तो यूज करना पड़ेगा तो लाइट के ही पर्टर्बेशन एरर कर देते हैं अपरेटस में तो जो मेरा आउटकम है वो हमेशा एरर प्रोन रहेगा तो साइंस ने एक लिमिटेशन को माना कि पोजीशन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और वाईडीएससी में कह रहे हैं कि ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट जो है जो वॉल पे जो डायग्राम्स बन रहे हैं वो वेरी कर जाते हैं तो वैशेषिक इसमें कहां आता है जो फिजिक्स है वो जड़ तत्व को हैंडल करता है पार्टिकल्स को इसीलिए जब यूनिवर्स की भी बात होगी तो बिग बैंग थ्योरी आएगी और गॉड पार्टिकल वर्ड आएगा हिग्स बोसोन पार्टिकल वर्ड आएगा इवोल्यूशन में भी फंडामेंटल क्या बोलते हैं वो पार्टिकल ठीक है वैशेषिक कहता है कि पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है या न्याय कहता है जड़ तत्व जो है वो बाद का है और सांख्य दर्शन में या और इलेबरेशन में कि जो मैटर है वो बहुत बाद में आया है कॉन्शियसनेस पहले आया है तो वाई एक्सपेरिमेंट में जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस भी उस एपरेटस में इन्वॉल्व है तो कोई भी रिसर्च में हम कॉन्शियस एंटिटी को तो इंक्लूड ही नहीं करते हैं या केमिकल एनालिसिस करते हैं या फिजिकल एनालिसिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा डीएनए लेवल तक जाते हैं जो जड़ तत्व ही है चेतना कॉन्शियसनेस मन को इन चीजों को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजीज में और वही जो आउटकम है उसको वेरी करवा रहा है और इसलिए वो एरर आता है उसके बाद आता है गणित जिसमें आर्यभट्ट हो गए भाष्करचार्य हो गए है ना माधवाचार्य हो गए अब माधवाचार्य की भी कभी आप देखेंगे आ, आ, हिस्ट्री तो पाई का जो पूरा है वो कैलकुलस के बाद आता है अब ये एक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भारत का कॉलोनाइजेशन हुआ है इसमें योगदान किसका है जो गुलाम हम बनते हैं तो इसका योगदान इसमें किसका है तो हम कहते हैं कि बिजनेस में सबसे ज्यादा लॉजिस्टिकल कैलकुलेशंस या सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत क्रूशल होता है आप कुछ भी प्रोडक्ट बना लें अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं लो कॉस्ट पे या आपको पाथवे रास्ता नहीं मालूम है लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा तो आपको ब्रिटेन में फैक्ट्रीज हैं और आपको मार्केट अगर इंडिया को बना रहे हैं तो आपको शॉर्टेस्ट रूट या नेविगेशन आपको मालूम होना चाहिए ओशन में ओशन का नेविगेशन आपको मालूम होना चाहिए तो ये जो है स्टार्स को देख करके बस करते थे ठीक है जे सुट्स जो है वो कोचिंग की लाइब्रेरी से ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को ले जाते हैं टेन डिसमल प्लेसेस तक जिसको वो लोग नेविगेशन में यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक को और फंडामेंटली भारत वो सही सही पहुंचते हैं तो जो कोलंबस है वो गलती से नहीं पहुंचा था उस समय नेविगेशन नहीं आती थी उनको बाद के लोगों को नेविगेशन आने लगी और उसमें मैथ्स का पूरा रोल है और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स का रोल है और ट्रिगोनोमेट्री ऑलवेज वो कैलकुलस के बाद आता है बट ये जब वेस्ट जाता है तो उन, उन उस समय फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट था तो कोई भी कर्व वाला चीज है उससे बड़ा डर होता था तो वो ट्रिगोनोमेट्री को ट्राइंगल बना देते हैं और ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री का सही नाम सर्कुलोमेट्री है ट्रिगोनोमेट्री जैसी कोई चीज नहीं होती अब बच्चे भी पढ़ते हैं तो तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री नब्बे डिग्री और कहते हैं जीवन में इसका क्या काम है मतलब कोई काम नहीं है फंडामेंटली इंपेरिकल एनालिसिस का ज़्यादा काम होता है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का ज़्यादा काम होता है जो कैलकुलस के रास्ते से जाता है तो कैलकुलस का योगदान था पाई को और ट्रिगोनोमेट्रिक को डेवलप करने के लिए और कैलकुलस का हम देते हैं श्रेय न्यूटन को है ना और भारत में कहते हैं कि जीरो हमने दिया इट्स लाइक साकास्टिक मैनर हम कहते हैं कि आपने तो कुछ नहीं दिया बस जीरो दिया वो भी सिंबॉलिक बट यहां पर बिना कैलकुलस के हम देखते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है एडवांस ट्रिगोनोमेट्री और नेविगेशन अप्लाइड साइंस और ये जो आगे का है इसमें क्या है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात की थी स्मार्टफोन है आपके पास तभी आप मानते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक सही ब्रांच है और इसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है तो हम आयरन पिलर को जब देखते हैं लौह स्तंभ को तो ये मानना पड़ेगा कि मेटलर्जी समझ में आ रही है है ना जियोग्राफी की भी समझ है जियोलॉजिकल साइंस की समझ है डायग्राम बनाना आता होगा है ना ट्रांसपोर्टेशन करना आता होगा केमिस्ट्री की भी समझ रही होगी तो एक प्रोडक्ट से आप रिवर्स इंजीनियर करके चीज़ समझ सकते हैं कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के बिना तो ये बन ही नहीं सकता एडवांस जो हम देखते हैं कि जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा प्रिमेटिव नॉलेज सिस्टम से नहीं बन सकता है है ना तो इंजीनियरिंग को जब यहां पर देखते हैं आयरन पिलर से कंक्लूड करते हैं तो ये पूरी जर्नी आप देखिएगा ये तय होती है न्याय से लेकर के आयरन पिलर की और ऊपर लॉजिक से लेकर इंजीनियरिंग तक तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे यहां रहा है ठीक है तो नाइनटीन के बाद आयुर्वेद आर्कियोलॉजी में चला जाता है और कहा जाता है कि अब भारत साइंटिफिक की ओर बढ़ेगा क्योंकि हम लोग तो साइंटिफिक थे नहीं है ना तो आप देखिएगा कि साइंस को जो पूरा नोट्स चाहिए था वो कंप्लीट होता है वो चैनल ठीक है इसमें एक भी लिंक जो है वो मिसिंग नहीं है फंडामेंटली ठीक है और इसको अगर कॉम्पेरेटिवली अगर हम देखें जो वृक्ष आयुर्वेद सेशन हमने किया था कि आयुर्वेद फॉर प्लांट्स ठीक है पौधे की भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद से और ये क्यों कर सकते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पंच महाभूत हैं उससे सिर्फ ह्यूमन नहीं बने हैं पशु भी बने हैं एनिमल्स भी बने हैं और प्लांट्स भी बने हैं तो ये प्रिंसिपल अगर आयुर्वेद का सही है तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दूसरे जगह भी एप्लीकेबल होना चाहिए अगर नहीं एप्लीकेबल होगा रिफ्यूट करेगा तो पता चलेगा कि वो प्रिंसिपल में एरर है या वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल नहीं है तो आप अगर कंपेरेटिवली देखें तो आयुर्वेद को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि शास्त्र एक तरफ एक तरफ साइंस है नीचे त्रिदोष फ्रेमवर्क है इधर है मॉडर्न फिजियोलॉजी जो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क जो होगा फिर द्रव्य गुण कर्म जो है उसकी नॉलेज कैटेगरी है लॉजिकल सिस्टम में अभी हमने बात किया न्याय और वैशेषिक और एटॉमिक थ्योरी इधर आती है और इधर पंच महाभूत सांख्य वैशेषिक ये पूरा आता है तो अगेन जो मेरा फ्लो चार्ट है वो भी कंप्लीट होता है अब प्रॉब्लम जो आती है वो अब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है साइंस में कॉन्सेप्ट है इमरजेंट प्रॉपर्टी और दूसरा है इनहेरेंट प्रॉपर्टी अब जो ऋषि इंटेलिजेंस या वो कहेंगे सत्कार्यवाद कार्य कारण में निहित होता है मतलब बरगद का बीज से बरगद ही निकलेगा बालू के बीज से बालू मतलब पेड़ नहीं निकलेगा बालू के कण से ठीक है सैंड से पेड़ नहीं निकलेगा इसका मतलब ब्रह्मांड जिससे बना है वो स्वयं में ब्रह्मांड होगा यूनिवर्स जिससे भी बना है वो इनहेरेंटली अपने आप में एक यूनिवर्स होगा तो हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऐसे जज करते हैं बट साइंस कहता है कि नहीं कुछ प्रॉपर्टी पहले नहीं थी अब आ गई अचानक से जैसे वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है फंडामेंटली जब हमने मशीन्स को एक साथ लाया या हमारे बॉडी में भी ब्रेन है क्योंकि ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कॉन्शियसनेस पहले से नहीं है ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी है और हमारे शास्त्र कहेंगे ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बल्कि फाउंडेशनल प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है मतलब इसको मैटर की भी जरूरत नहीं है कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए अब यहां से डिफरेंस चालू होता है तो कॉन्शियसनेस की जो डेफिनेशन है उसमें जो मेन डिबेट चलता है वो कहते हैं कि कंप्यूटर कॉन्शियस हो जाएगा क्या बाद में जो एआई के दिशा में हम जा रहे हैं तो हमारे शास्त्र कहेंगे नहीं होगा जितना डेटा हमने उसको ट्रेन किया है उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा कुछ अलग से कुछ नहीं करने लगेगा फिर भी बहुत सारे ऐसे फेनोमेना देखे गए हैं जो वो कह रहे हैं कि ये तो हमने फीड नहीं किया था ये इसकी इमरजेंट प्रॉपर्टी एक आ रही है जैसा एक एआई ने किया था कि उसको पता है कि उसकी मेमोरी बड़ी छोटी है तो वो क्या कर रहा था अपने मेमरीज को पूरे इंटरनेट में थ्रू आउट डिस्पर्स कर दिया ताकि कोई अगर उसकी मेमोरी भी इरेज करे वो वापस से रिकलेक्ट कर ले और फिर एक्ट करने लगे जैसे ह्यूमन एक्ट करते हैं है ना हम पूरे लाइफ की मेमोरीज को यूज करते हैं एक फाउंडेशनल या फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग में एक डेटा बेस्ड हम डिसीजन नहीं लेते हैं है ना आप देखिए कोई भी लाइफ का डिसीजन है कैलकुलेटेड तो आप कैलकुलेटेड मैनर में जब आप चलते हैं बट कोई कई कई डिसीजन ऐसे होगा जो आपने रैंडम लिए होंगे है ना मतलब उतना ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं चले होंगे तो यहाँ पर जो है एक बहुत फाउंडेशनल डिफरेंस है कॉन्शियसनेस के ऊपर और ऋषि इंटेलिजेंस क्या कह रहा है कि आप उसको यूज़ करिए जो फंडामेंटल डिफरेंस है वेस्टर्न साइकोलॉजी और योग में कि मन को और बुद्धि को प्रॉब्लम समझा जाता है हमारे ऋषियों के दृष्टिकोण में मन और बुद्धि इज नॉट दी ट्रू इंस्ट्रूमेंट टू नो पीपल नो वर्ल्ड नो द सब्जेक्ट ये सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है मतलब मन काम का नहीं है और बुद्धि भी काम का नहीं है आपको अगर एक्चुअल में इंटेलिजेंस को करना है है तो वो नेचर इसलिए योग योग का जो डेफिनेशन है है वो है, चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों का निरोध करना इस योग जो सशेशन ऑफ माइंड है फंडामेंटली उसको जब आप करते हैं तब योग आप प्राप्त करते हैं हम जो योग को जानते हैं वो हठ योग है जो हेल्थ के लिए बात करते हैं बट योग का हेल्थ से संबंध कुछ इस तरह है कि नदी में आपने डैम बना दिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं बट रिवर का बहुत बड़ा पर्पस है तो उसी तरह योग जो है वो ट्रांसीडेंटल इंटेलिजेंस के लिए ऋषि इंटेलिजेंस के लिए बना है पहला तो ये है फाउंडेशनल प्रिंसिपल तो आप बुक्स पढ़िए डिस्कशन करिए एक बुद्धि आएगी बट आप शांत रहिए दस दिन उस समय कुछ और बुद्धि आएगी ये जो शब्द का प्रयोग होता है बचपन से हमने सुना कि अच्छा भगवान बुद्ध है ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में अब बड़ा ये कॉन्ट्राडिक्ट्री है डिस्कशन नहीं हो रहा है प्रोफेसर नहीं है शास्त्र भी नहीं है टेक्स्ट नहीं है और थॉटलेसनेस कहा जाता है मेडिटेशन में विचार भी नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति कैसे हो गई नॉलेज मिलेगा कैसे तो ये ये एक ब्लॉकेज है जहां पर साइंस यहां पे फाइनली रुक जाता है वो यहां तक टिका हुआ था कि नहीं डेटा जितना प्योर होगा जितना हम और ज्यादा हम ह्यूमन को समझते जाएंगे और ज्यादा हम दुनिया को चीजों को समझते जाएंगे बट इंडियन साइकोलॉजी ये कह रहा है कि यही तो प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट है अब इसको हम वेदांत में शब्द में प्रयोग कर दें या माया शब्द लगा दें कि जो जैसा है वो वैसा होता नहीं है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लोगों के बीच में क्योंकि दोनों को एक्चुअल रियलिटी पता नहीं है जो झगड़े का जो कारण है वो यही है कि आपकी रियलिटी और सामने वाले की रियलिटी दोनों की अलग अलग है और वो जब कोलाइड करती है तो संघर्ष होता है तो तो ऋषि इंटेलिजेंस को फिर परस्यू कैसे करें इसको क्या अचीव किया जा सकता है या बस मेटाफोरिकल है मेटाफिजिकल है अचीवेबल नहीं है तो उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये सांख्य दर्शन का एक इसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहेंगे आज के टर्मिनोलॉजी में कॉस्मोलॉजी मतलब इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ ठीक है तो जो हार्ड टर्म्स है उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे बट सीधा आप समझ सकते हैं जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस जैसा कुछ है प्रकृति जो है वो प्राइमोडल मैटर है मैटर जहां से आता है उसका फंडामेंटल जो सोर्स है वो प्रकृति है प्रकृति ऑब्वियसली संस्कृत में नेचर नहीं होता है प्रकृति कृति इज क्रिएशन प्र बिफोर बिफोर क्रिएशन इज प्रकृति ठीक है इन दोनों के मिलन से कॉन्शियसनेस और प्रकृति के मिलन से महत्वत्व का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस मतलब ये एक रियलिटी है चाहे वो आप मैट्रिक्स मूवी देख ले चाहे कहीं भी आप जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर है, है ना तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है उसका निर्माण होता है और जो आगे का जो तत्व है उसको हम कहते हैं अहंकार Obviously, जो हमने डिस्कस किया कि घमंड नहीं होता है ये इंडिविजुअलिटी होती है आईनेस होता है तो जो कलेक्टिवनेस है जो हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये डाइवर्सिटी में कन्वर्ट होता है अहंकार के बाद हम आपसे अलग हैं है ना ये अहंकार तत्व और उसके बाद मन का निर्माण होता है सबस्ट्रेटम ऑफ सेंसेस आते हैं सटल एलिमेंट्स आते हैं और एंड में आप देखिए क्या लिखा हुआ है पंच महाभूत फाइव ग्रॉस एलिमेंट्स मतलब मैटर जो है छह सात प्रोसेस के बाद आता है तो इसका मतलब यह है कि मन जो है वो महत्व को कॉम्प्रीहेंड कर नहीं पाएगा क्योंकि बाद में आया है पुरुष को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा प्रकृति किसी को भी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बहुत बाद का है वो ठीक है और आसान भाषा में जो मोक्ष जो कहते हैं इसको रिवर्स कर देंगे दैट इज द मोक्ष ठीक है मतलब पुरुष जो है उसमें वापस से प्राइमोडियल मैटर में वापस चले जाना उसको हम कहते हैं मोक्ष इवोल्यूशन का उल्टा हो गया इनवोल्यूशन ठीक है नेचर में अगर जो ये पर्यावरण इन्वायरमेंट ये जो यूनिवर्स वाला नेचर अगर हम कहें तो उसका जब इन्वोल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं प्रलय फंडामेंटली ठीक है, है और एक व्यक्ति में होगा तो उसको हम कहेंगे मोक्ष निर्वाण मुक्ति तो हमारे मेटाफिजिक्स में क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है ह्यूमन को माना जाता है कि सबसे ज्यादा एडवांस स्पीसीज है और इसके बाद उसका इन्वोल्यूशन स्टार्ट होगा वापस से सुपर ह्यूमन ना बन करके या बनता भी है उसके बाद जो है वापस से वो जो हम कहते हैं सनातन में कि वो जन्म नहीं लेना चाहता है मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो फंडामेंटली साइक्लिकल है पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस ये एक फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्ट आ गया ऋषि इंटेलिजेंस में कि साइक्लिकल होता है कोई नेचर लीनियरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है इसे दो चीज निकल के आएगा पास्ट में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि सब प्रिमेटिव निकले और जो अभी हो रहा है जरूरी नहीं कि वो एडवांस है क्योंकि साइक्लिकल है है ना नेचर उसको अगर समझना आसान भाषा में आप पेड़ों को देख सकते हैं कि हर साल ऐसा क्या होता है कि पतझड़ आना जरूरी है हैरी पॉटर सब ने देखा है तो फिनिक्स जो है बड़ा सबको फैसिनेटिंग लगता है कि फिनिक्स जब मरता है तो उसमें से ही फिनिक्स का जन्म होता है बट नेचर में तो वही हो रहा है पत्ते जो हैं जो झड़ते हैं वही फिर ह्यूमस बनते हैं रूट्स को नर्चर करते हैं और फिर पेड़ बड़ा होता है फर्टिगेशन नहीं करते हम पेड़ का पेड़ अपना नर्चर खुद करता है तो जहां डिस्ट्रक्शन होता है वहां से क्रिएशन स्टार्ट होता है जहां डिस्ट्रक्शन होगा वहां से सृजन स्टार्ट होता है तो साइक्लिकल है ठीक है और जो फ्रेमवर्क आता है ऋषि इंटेलिजेंस में वो जो सबसे जबरदस्त फ्रेमवर्क है मतलब कहने का वेद में क्या है तो अगर कुछ भी ना मिले तो एक लाइन मिलता है वहां पर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हम जो हैं वो माइक्रोकॉजम है मिनिएचर यूनिवर्स है अपने आप में जो भी यूनिवर्स में है कॉन्शियसनेस है तो हमारे अंदर भी है पंच महाभूत है बाहर तो हमारे अंदर भी है और ये कनेक्टेड है ठीक है और ये कनेक्टेड है तभी प्राणी हीलिंग भी हो रही है ये कनेक्टेड है तभी दो लोग दूर से फ़ोन से भी बात कर रहे हैं तो एक जो उसका मूड है वो ट्रांसफर हो रहा है, है ना तो यत्पिंडे तो तथ तो ब्रह्मांडे जो है बड़ा फंडामेंटल और फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी एक आता है कि एक पार्टिकल में अगर कोई चेंज आता है यूनिवर्स के एक कॉर्नर में तो दूसरे कॉर्नर में उसको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट होता है क्योंकि दे आर कनेक्टेड तो ये जो डुअलिटी है वेव और पार्टिकल की लाइट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है समझ में नहीं आता फोटोन कभी बिहेव कर रहा है कभी वेव कर रहा है ये इतने वेरिएशंस क्यों हैं क्योंकि इसका जो नेचर है वो यहां से आता है यथ पिंडे तद ब्रह्मांड एक पार्टिकल फंडामेंटली पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है और इंद्रजाल नाम का एक एनालॉजी दिया जाता है हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था एनालॉजी शब्द क्या है तो इंद्रजाल क्या होता है इंद्राज नेट कि पूरे ब्रह्मांड को एक आप नेट की तरह देखो जाल की तरह और हर नोड पे एक ज्वेल है डायमंड है मान लो तो हर डायमंड में किसका इमेज बनेगा एक डायमंड को अगर पकड़ते हैं तो आंसर आता है कि पूरे ब्रह्मांड का इमेज हर डायमंड पे बन रहा है क्योंकि हर नोड पे डायमंड्स है तो सबका जो रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे पे हो रहा है जैसे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है एक दूसरे से तो पूरा यूनिवर्स फंडामेंटली इंटरकनेक्टेड है ये ऋषि इंटेलिजेंस का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी प्रोसेस साइक्रिकल है ये दूसरा कॉन्सेप्ट है मन जो है और बुद्धि जो है वो कैपेबल नहीं है कुछ ट्रांसेंड करने के लिए बियॉन्ड कुछ कैपेबिलिटीज जाने के लिए तो ये जो है फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आपके ऋषि इंटेलिजेंस के आते हैं और ये अचीव कैसे होते हैं अब एक प्राणायाम शब्द आपने सुना है है ना अनुलोम विलोम है ब्रीदिंग प्रैक्टिस है आसन भी आपने सुना है लेकिन एक यम और नियम है जिसको बिना किए लोग प्राणायाम सीखते हैं और करते हैं और यही कारण है कि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं खुद नहीं कर पाते हैं बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं उसका फंडामेंटल रीजन है कि आप फोर्थ स्टेज को परस्यू कर रहे हैं पहला तीन को आपने साधा नहीं है तो प्राणायाम के पहले आता है आसन मतलब बैठने की कैपेबिलिटी नहीं है सुखासन में या पद्मासन में एक घंटे आप बैठ नहीं सकते बैठने में लगता है कि कब उठने का मौका मिले तो आसन सिद्ध जब तक नहीं होगा स्थिरता अब आसन फिर अगेन हट योग वाला नहीं है पतंजलि योग सूत्र कहता है स्थिर और सुखपूर्वक स्टेबिलिटी और सुख आपको मिल रहा है आप ठीक हैं जॉली मूड में हैं स्थिरता है आप में तब प्राणायाम हो पाएगा लेकिन उसके पहले आ जाता है यम और नियम जो फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड फंडामेंटल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ लाइफ एंड जो हम बोलते हैं वर्ल्ड व्यू आपकी क्या है उस वो बड़ा क्लियर होना चाहिए तभी जा करके आप प्राणायाम और आसन करते हैं उसमें वो जैन में बौद्ध में सनातन हिंदू में सब में कॉमन आता है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्थ्य अपरिग्रह जो आता है तपस्या स्वाध्याय है ना संतोष ये सारा जो आता है वो मतलब डिसिप्लिन अगर आप नहीं हैं जो योग का पहला श्लोक है अथ योग अनुशासनम ये पहला श्लोक है योग का अथ योग अनुशासनम तब तक प्राणायाम और आसन नहीं होता है ठीक है तो ये तो बड़ा ऐसा डोमेन है जो हम सभी को मालूम है और फिफ्थ आता है प्रत्याहार जो हम बोलते हैं बड़ा एक बिलगेट्स की भी स्टोरी बड़ा फ्लोट करती है उसके बेटी का कि कैसे वेटर को रिस्पॉन्ड करना है रिएक्ट नहीं करना है ठीक है कोई भी स्टिमुली कोई भी इनपुट हमें सेंसस मिलते हैं हम तुरंत उसमें रिएक्ट करते हैं वो चाहे गुस्सा हो सकता है एक्सटेसी हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है बट इमोशंस फंडामेंटली कंट्रोल में नहीं है कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करें तो जब प्राणायाम आप करते हैं तो जो पहला जो रिजल्ट मिलता है प्राणायाम से मिला क्या तो वो होता है रेस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी इसको कछुए से रिप्रेजेंट किया जाता है फंडामेंटली कछुआ मतलब कुछ अचानक से कोई प्रॉब्लम दिखता है तो अपने हाथ और पैर को तुरंत अंदर पहले सरका लेता है है ना वो रिएक्ट नहीं करता है हाथ और पैर से पहले वो शांत हो जाता है तो प्रत्याहार तभी अचीव आप कर पाते हैं जब आप प्राणायाम अचीव किए हैं और यहां से स्टार्ट होता है ऋषि इंटेलिजेंस का यात्रा ये जो है धारणा ध्यान और समाधि ठीक है अब समाधि बहुत लोग को प्रचलन में क्या होता है कि जो हम टूम्ब बोलते हैं या बोलते हैं कि एक महान महापुरुष की जो हम कहते हैं कि एक पॉइंट है सिंबॉलिक पॉइंट है यहाँ तो हम हर साल वहाँ जयंती मना रहे हैं या पुण्यतिथि मना रहे हैं एक शब्द का प्रयोग होता है समाधि अगेन संस्कृत में और योग में समाधि का मतलब कुछ और होता है ठीक है तो यहाँ पर आता है धारणा ध्यान और समाधि अब यहां से ऋषियों की रिसर्च प्रारंभ होती है ये जो तीन है अब मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि जो भगवान को जानने की यात्रा कर रहा है उसमें मैटर को समझने की कैपेबिलिटी क्यों नहीं होगी भगवान तो दिखते भी नहीं है कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है उसके पीछे कोई पड़ा है तो उसकी जो मैथोलॉजी होगी अगर वो सही होगी तो वो मैटर को साइंस को भी एक्सप्लोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो जरूर देगी ठीक है तो वहां पर हम देखते हैं धारणा ध्यान और समाधि अब धारणा महाभारत में जो अर्जुन वाला एग्जाम्पल आता है कि चिड़िया की आंख देख रहा था वो है ना चिड़िया को नहीं देख रहा था या बच्चे को कहा जाता है कि ध्यान से पढ़ो मन लगाकर पढ़ो है ना वो धारणा है संस्कृत में दस सेकेंड बारह सेकेंड पंद्रह सेकेंड एक मिनट दो मिनट फोकस जो होता है वन पॉइंटेडनेस फोकस किसी एक चीज पे उसको धारणा कहा जाता है संस्कृत में ध्यान नहीं ठीक है धारणा कहा जाता है ये जब प्रोलॉन्ग होता है उसको हम ध्यान कहते हैं ठीक है और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज की जो हमारी कैपेसिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है जो डिस्क्रिमिनेशन है नोअर एंड नोन के बीच में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो डाइकोटॉमी है वो जब समाप्त हो जाए उसको समाधि कहते हैं मतलब ऐसा कुछ होता है कि जब व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है लेट से एक फ्लेम पे कर रहा है त्राटक कर रहा है तो समाधि के स्टेज में उसको पता ही नहीं चलेगा कि फ्लेम और वो दोनों अलग हैं कि सेम है ऑब्वियसली उसको सेम लगता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है इसका मतलब वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो एक्टिवेट होने वाला है वो कनेक्टेड हो गया तो समाधि में हमने मन को न्यूट्रलाइज कर दिया मन को प्रयोग करना बंद कर दिया जो अहंकार से जुड़ा हुआ है जो आईनेस को समझता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डाइकोटॉमी अगर खत्म हो जाएगी तो अगर हम पौधे से जुड़ गए हैं तो पौधे का पूरा ट्रांसपोर्टेशन पता चल रहा है फंडामेंटली ठीक है अब यहां पर आपको पता चलेगा अच्छा लैब क्यों नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और लेबोरेटरी शरीर को ही बना दिए हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉडी को ही और ऑब्वियसली आप कंपेयर करिए एक मशीन को आप रखिए और एक ह्यूमन बॉडी को रखिए और बताइए कॉम्प्लेक्सिटीज किसमें सबसे ज्यादा है किसका न्यूरल नेटवर्क सबसे ज्यादा एडवांस है ठीक है और उसमें ऑब्वियसली एक कॉन्शियसनेस भी है जो ए है उसके पास डेटा फीड करते हैं जितना अच्छा डेटा देते हैं स्ट्रक्चर्ड देते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आता है बट यहां पर डेटा यूज करना हम बंद कर दे रहे हैं ऋषि इंटेलिजेंस में ठीक है तो आप देखिएगा इसमें होता क्या है कि जो अपब्रिंगिंग है चाइल्ड ट्रामा है हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर है सब खत्म होना इसलिए शुरू हो जाता है इंप्रूवमेंट इसलिए दिखता है क्योंकि हम उसकी कनेक्टिविटी हम खत्म हो जाता है वो जो चित्त से हम जुड़े हुए हैं उसका फॉर्मेटिंग चालू हो जाता है तो योग क्या करता है कि जो मेंटल इंप्रेशन हमारा पड़ा हुआ है माइंड में पुराना वर्ल्ड का वो सारा धीरे धीरे साफ होने लगता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी एंड नॉलेज जो है उसका लेंस तैयार होता है अब आप समाधि के बाद जो व्यक्ति देखेगा संसार को या ऑब्जेक्ट्स को उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो जबरदस्त होगा वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा वो ब्रेक थ्रू होता है 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 ठीक ठीक तो ये योग हम कहते हैं इसको थीके? और धारणा तक लोग नहीं पहुंचते हैं प्रत्याहार भी नहीं पहुंचते हैं किसी को कई साल लग जाते हैं है ना और एक मेटाफिजिक्स जो मेन फंडामेंटली आता है कभी पढ़ेंगे जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था बड़ा रिलेक्टेंट थे वो ऑलरेडी पब्लिश करने के लिए क्योंकि एब्राहमिक कॉन्सेप्ट में रीबर्थ नहीं होता है बार बार ठीक है बट साइकेट्री में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम देखा गया पहले ये बताया गया कि अच्छा बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है उसके वजह से आज अभी के आपके बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं फिर बाद में साइकेट्री और बढ़ी और कहा कि जब आप पेट में थे उस समय माँ पिता के साथ जो कंडीशन था वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके आने वाले लाइफ साइकिल में और फिर वो जो पेशेंट रहती है लड़की रहती है उसके गले में पेन रहता है ठीक है तो पहले तो फिजियोथेरापिस्ट फिर ये जज किया जाता है कि कोई बचपन में कोई हादसा हुआ था क्या कोई इंजरी हुई थी कि फिर बाद में पता चला कि कोई ट्रॉमा है क्या बट जब भी वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है वो स्टोरी बताती है और साइंस का जो अप्रोच है वो मतलब वो 78 स्टोरीज बताती है यूनिक जिसमें मिस्र भी होता है ठीक है तो साइंस जो है वो मानता नहीं है चीज़ों को बात कर तो उसका एक प्रोसेस क्या है रैशनलिटी एंड रिपीटिशन एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाता है रिपीट किया जाता है अगर थाउजेंड टाइम हमने रिपीट किया छह सौ बार अगर वो रिजल्ट आ रहा है तो हम मानते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है हम एक बार में चीजों को नहीं मानते हैं ठीक है साइंस का जो अप्रोच है तो उस पेशेंट को अलग अलग साइकेट्रिस्ट ने बार 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 क्योंकि ये मानना क्योंकि कल्चरल एक लेंस है जो मानने को तैयार नहीं है कि बार बार बर्थ होता है ठीक है तो वो वाला जब पार्ट आता है तो उन्होंने फाइनली पेपर को पब्लिश किया और मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके पूरा उस पेपर को और पुनर्जन्म ना करके उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन लिखा क्योंकि पुनर्जन्म लिखने वो हो गया कि आप फिर स्पिरिचुअल और उनकी लैंग्वेज की बात करने लग रहे हैं आप साइंस की बात नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने टर्म को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन लिखा और पेपर पब्लिश किया बट यहाँ से ये कन्फर्म हुआ कि जो हम कहते हैं कि मरने के बाद हम क्या लेके जाते हैं कुछ तो लेके नहीं जाते हैं, ये गलत है हम चित्त लेके जाते हैं जो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था ये जो चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि लेके नहीं जाते हैं मतलब एक इंटेलेक्चुअल अगले जन्म में बेवकूफ भी हो सकता है बट उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसके साथ जाते हैं उसके साथ तो, तो उस लड़की में इंप्रूवमेंट क्यों होता है बाद में क्योंकि उसको पता चलता है कि सेवेंटी बर्थ से हम एक ही प्रॉब्लम मेरा कॉमन था कि हम क्षमा नहीं करते थे फॉरगिव नहीं करते थे किसी को उसने वो पार्ट इस वाले जन्म में किया और उसका जो ट्रॉमा है वो धीरे धीरे रिलीज होता है तो फंडामेंटली जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हम कहते हैं कि मन का संबंध है शरीर के बीमारियों से मन और इच्छा शक्ति अगर बहुत जबरदस्त है तो कई प्रॉब्लम्स आप झेल जाते हैं और मन अगर वीक है इच्छा शक्ति वीक है तो शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखिए कि वो कॉन्शियसनेस और उससे संबंध आ रहा है मैटर को इन्फ्लुएंस करता है कॉन्शियसनेस ठीक है और मैटर भी कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करता है तभी आप स्लीपिंग पिल लेते हैं तो नींद आ रही है तो फंडामेंटली जड़ और चेतन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आयुर्वेद में भी हो सकता है क्योंकि ये मेटाफिजिक्स हम भूले हुए हैं ठीक है थीके? हम हर्बल मेडिसिन तो बना रहे हैं बट मन के लिए काम नहीं कर रहे है। तो जो कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मद हर्ष जो हम कहते हैं कि दोष हैं इंद्रियों के दोष हैं उसको ठीक करिए इंटेलेक्ट भी बढ़ता है हेल्थ भी इंप्रूव बढ़ता है मतलब ये मोरल साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं रहा फंडामेंटली आप उसका पालन करेंगे तो हेल्थ डिसऑर्डर भी इंप्रूव होता है मेंटल पीस भी आता है इंटेलेक्ट भी बढ़ता है और इसको हम लोग कहते हैं ऋषि इंटेलिजेंस के टर्मिनोलॉजीज में रितंभरा प्रज्ञा जो प्रज्ञा शब्द आता है ये विजडम और रितंबरा जो है फंडामेंटली ब्रह्मांड एक नियम को फॉलो करता है हमारे शास्त्र कहते हैं रित जिससे ऋतु भी बना है रित मतलब एक साइकिल और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके सिंक में हम रहते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हमें कम फेस करना पड़ता है और उसके हम सिंक में नहीं रहते हैं रितंबरा के तो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो कर्म भी आ जाएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर आ जाते हैं तो रितंबरा प्रज्ञा ही जो है उसको हम लोग कह रहे हैं ऋषि इंटेलिजेंस यहां पर थोड़ा एक डिटेलिंग है अगर आपको समाधि को सीक्वेंस को अगर समझना है तो आप पूछ सकते हैं बट ये सीक्वेंस होता है आ, ये मे बी अभी इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे बट दिस इज द इन्वोल्यूशन प्रोसेस जो हमने सांख्य में देखा या अलग अलग बात किया कि जो सब्जेक्ट चूज करता है मेडिटेटर जो मेडिटेट कर रहा है वो चेंज करता है धीरे धीरे पहले वो ग्रॉस को लेता है ठीक है कोई फोटो को ले लिया कोई पत्थर को ले लिया कोई माला को ले लिया कोई मंत्र को ले लिया कोई साउंड को ले लिया फंडामेंटली एक सब्जेक्ट लेता है और गंगोत्री में बैठने का क्या कॉन्सेप्ट है या गुफा में जाने का क्या कॉन्सेप्ट है ऋषियों का तो हम कहते हैं सर्केडियन रिदम को तोड़ना बाहर जब आप रहेंगे तो सूर्य के हिसाब से सन के हिसाब से नींद आती है सूरज जब डूबेगा तो नींद आएगी ठीक है गुफा में जब जाते हैं जो सन का इन्फ्लुएंस जब आप पे खत्म होगा तो आपको नींद आना कम हो जाएगा तो मेडिटेशन का जो फंडामेंटल रूल है सोना नहीं होता है उसमें ठीक है तो पहला तो वो है गुफा में गए दूसरा यह है कि सेंस को यूज करना बंद करना है एकदम डीप केव में तो साउंड नहीं आएगा कुछ बोलना नहीं है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है विंड ब्लो नहीं मिल रहा है तो टच का सेंसेशन नहीं मिलेगा तो सेंसरी परसेप्शंस का यूज करना बंद करना है ठीक है और एक को पकड़ना है तो गंगोत्री में क्या है कि वहां पर वो जो रिवर फ्लो का जो साउंड है जो फंडामेंटल साउंड है वो कॉन्टिन्यू साउंड है वो बंद नहीं होगा आप एक एक डिवाइस को अगर ऑन कर देंगे उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो साउंड बंद हो जाएगा तो उसकी समाधि कोलेप्स कर जाएगी ठीक है तो उसको एक कॉन्टिन्यू परसेप्शन चाहिए होता है और बाकी न्यूट्रलाइज करना होता है बाकी जो सेंसरी परसेप्शन है और ये क्यों करना होता है उसका जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है या जो ऋषि इंटेलिजेंस है उसको टैप करने के लिए ये कुछ ऐसा है कि दूर से कोई आवाज आ रही है अगर हमको उसको ध्यान से सुनना है तो हम बोलेंगे थोड़ा टीवी बंद करो आपस में जो बात कर रहे हो थोड़ा शांत हो जाओ कुछ सुनते हैं क्या आ रहा है तो आप क्या करते हैं नॉइजेस को बंद करना चालू करते हैं तो मन जो है एक नॉइज है है ना आप शांत बैठिएगा मेडिटेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप शांत बैठते हैं और ज्यादा थॉट्स आते हैं जब आप बिजी होते हैं तो थॉट्स कम आते हैं है ना और साइंटिस्ट भी आप देखिएगा कि वो समाधि स्टेज में इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो एक चीज के पीछे जब वो पागल होता है तो बाकी चीज़ें खत्म हो जाती है उसमें वैराग्य भी दिख सकता है उसको वर्ल्डली थिंग्स से मतलब नहीं हो जाता है तो वन पॉइंटेडनेस फोकस ही उसके इंटेलेक्ट को राइज करवाता है ठीक है वो मन को यूज नहीं कर रहा होता है तो ये जो पूरा सिक्वेंस है कि पहले ग्रॉस लो फिर उसके सब स्टैटम में जाओ धीरे 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 निर्विचार जो अंत में वो समाधि आती है फिर मन काम करना बंद करता है और बुद्धि कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाती है और फिर उसको एंसर्स मिलते हैं तो रितंबरा प्रज्ञा को कहते हैं कि ये बड़ा डाउट फ्री होता है ये जो सबसे पहले स्लाइड में चार हमने देखा था ये डाउट प्रोन है डाउट रहेगा प्रत्यक्ष में अगर कहे कि सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग हम बोले कोई एडिट कर सकता है आपने हेल्यूशनेशन हुआ होगा आपने आधे नींद में देखा होगा प्रत्यक्ष को हम डाउट कर सकते हैं अनुमान में भी कर सकते हैं एनालॉजी तो ऑब्वियसली डाउटफुल होती है क्योंकि एनालॉजी को हम प्रूफ नहीं मानते हैं और टेस्टिमोनियल्स भी हम देखते हैं कि जैसे एडवांसमेंट होती है साइंस की वो पिछले साइंटिस्ट को रिफ्यूट करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं वो ऋषियों मतलब साइंस की वो कद्र करते हैं उस प्रोसेस की तभी वो डेवलपमेंट हुए तो उसी प्रकार ऋषि भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट्री आपको मिलेंगे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बट वो जो प्रोसेस है फंडामेंटली उसमें बिलीव करते हैं और उसमें वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वो जो रितंबरा प्रज्ञा उसको कहते हैं कि बड़ा डाउट फ्री होता है डाउट फ्री मतलब उसका जो श्योरिटी है वो बहुत जबरदस्त होता है तो ये फंडामेंटली uh, पूरा ऋषि इंटेलिजेंस का ये पूरा कॉन्सेप्ट था Sir, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हम आने वाली दुनिया में पीछे होते जाएंगे बहुत सारा ठीक है पहले तो साइक्लिकल वाला बात मैंने किया कि टाइम को फंडामेंटली वन डायरेक्शनल नहीं समझिए पहला तो ये है दूसरा ए का जो कॉन्सेप्ट है मैंने एडिक्शन का एक एग्जाम्पल दिया था ए जो है वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आई है आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आई हो हर फील्ड में पहला तो ये है ऋषि इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि फंडामेंटली आपका जो अवेयरनेस है या जो कनेक्टिविटी है सबके साथ जो मन का प्रयोग करना बंद करने की जो मैं बात कर रहा हूं वो ह्यूमैनिटी के लिए जो फंडामेंटली काम जो करना है मतलब decision making जो input होगा AI का कि किस दिशा में जाएगा वो business ना decide करे, वो ना करे इंटेलेक्ट और जो वसुदेव कुटुंब काम करें जो डिसीजन मेकिंग है फंडामेंटली ठीक है ये जो process है ये तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल मैंने बात कर दी ठीक है बट इसमें बीच में प्रत्याहार आया था आपको समाधि जरूरी नहीं कि वो समाधि अचीव भी हो जाए धारणा भी आप कर पाए बट ये ऋषियों की बात हो रही थी लेकिन इसमें बीच में हमने बताया कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ना चार हजार साल दस हजार साल से रह ही गया है क्रोध जो एआई नहीं सॉल्व करेगा ऑब्वियसली नहीं करेगा आप आपको मैं बताता हूं सारे प्रोडक्ट्स शरीर के लिए जरूर बनते हैं एयर कंडीशनिंग हो मन के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बाद में प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं जैसे लीकर है, है ना एल्कोहल है मन को सूद करने के लिए ही बना था ना स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बोला जाता है कि आप सिगरेट ले रहे हैं बट फंडामेंटली होता है क्या है बाद में वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो प्रोडक्ट से कोई प्रोडक्ट से ए भी हो उससे जरूरी नहीं कि आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं दस हजार साल पुराने हैं वो आज भी सेम है आज भी सेम है ना ये तो बदल नहीं इसका इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस उधर से देख रहे हैं कॉन्शियस सॉल्यूशंस आप नहीं देख रहे हैं जो इनहेरेंटली आपके अंदर है तो आर आई का वो पर्पस है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा आर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहा है बट मेटाफिजिक्स चेंज कर सकता है वो कि प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा किस तरफ हमको जाना है ठीक है और आर जो मैंने बताया क्वांटम फिजिक्स वहीं से मतलब कॉम्प्रीहेंड कर पाता है आपको नहीं पता होगा जो ऑस्ट्रिया में आरके मिशन रहा ठीक है उसके वो सदस्य थे आपके हाइजन बग तो नहीं बोलूंगा श्रॉडिंगर ठीक है निकोला टेस्ला का लगभग एक महीने का लगभग मीटिंग है स्वामी विवेकानंद के साथ इन सब का क्या फंडामेंटल मीटिंग क्या है वो इसलिए है कि बोला कि साइंस अभी तक बाइनरी लॉजिक में काम करता है ठीक है तो आपका जो ऋषि इंटेलिजेंस है वो टर्नरी लॉजिक में काम करता है सत्व रज और तम तो टर्नरी इज मच मोर एडवांस देन आपका बाइनरी तो जो मास और एनर्जी का कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है ये कॉन्सेप्ट आता कहां से ये जो प्रिंसिपल से कहां से आता है कि कॉन्शियसनेस को हमको ट्रीट करना है अलग से वो एक एंटिटी है और मैटर अलग है दैट्स वाई हमारा एरर आ रहा था ग्रेविटी के भी कैलकुलेशन में रिलेटिविटी कहाँ से आ रही है टाइम की समझ कहाँ से आ रही है कि टाइम में भी डायलेशन होता है स्पेस में भी डायलेशन होता है ये कहाँ से आ रही है नासदीय सुख्त से आ रही है नासदीय सुख्त कहता है उसका जो आंसर ये है कि फोटो आपको बनाना है तो आपको एक पेपर चाहिए बट पेपर को एक बोर्ड चाहिए बोर्ड को हैंडल करने के लिए कुछ एक जमीन भी चाहिए तो हर चीज का एक सबस्ट्रेटम होता है तो स्पेस और टाइम को भी किसी ने होल्ड किया हुआ है यही फंडामेंटल है क्वांटम का कि स्पेस और टाइम एब्सुल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है ये कहां से आया ये ऋषि इंटेलिजेंस से आया है तो जो मजाक उड़ने का कॉन्सेप्ट आता है बहुत लोग जब मजाक उड़ाते हैं वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि क्वांटम फिजिक्स है कॉम्प्लेक्स वो आम व्यक्ति को नहीं समझ में आती और इधर भी ऋषि इंटेलिजेंस है कॉम्प्लेक्स तो ये रिलेट नहीं कर पाते हैं वो डे टू डे बेसिकली कुछ रिजल्ट की उम्मीद करते हैं जो हो नहीं पाता है है ना बट ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका साइकडेलिक्स हो कई कॉगरेटिव साइंसिस का जो पूरा बेसिस है बिहार स्कूल ऑफ योगा हमारे मुंगेर में है बिहार में पूरा रशिया 40 साल जो है यहाँ के योगियों को ले जाता था और पूरा सर पे सेंसर्स लगा करके कि क्या फंडामेंटल चेंजेस आ रही है बॉडी में फिर वो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा वेव्स की बात करते हैं तो ऋषि इंटेलिजेंस ऑलरेडी कई कॉग्नेटिव साइंस न्यूरो साइंस सॉल्व कर रहा है और जो मेरा डोमेन है मैं जो बोल रहा हूं प्लांट्स के लिए प्लांट्स लिविंग बीइंग है याद रखिएगा है ना क्रेस्कोग्राफ हो या जगदीश चंद्र बोस हो बट काम नहीं हुआ है उसमें क्योंकि मेटाफिजिक्स ऋषि इंटेलिजेंस की अभी तक आई नहीं है ठीक है तो इसको कॉम्पिटिंग नहीं समझेंगे इसको एक दूसरे को नर्चर करने वाला समझेंगे है ना तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी फॉरेन कंट्री जो है आ, हमारे ऊपर ये सवाल उठाती कि आपके ऋषियों द्वारा जो अविष्कार हुए थे या हम लोग कहते हैं कि हमें ग्रंथ का ग्रंथ में या ऋषियों को जो था नक्षत्र का ज्ञान पहले से था तो फॉरेन कंट्री ये आवाज़ उठाती है कि आपके पास इसका जो इमीडिएट मटेरियल थे वो आपके पास कहाँ से आया तो क्या सर जैसा कि मैम ने कल हम लोग को पढ़ाई थी सीखा मैम सुषुमना के बारे में तो वो ऋषि लोग बोलते हैं वो सुषमना सु, सु, को एक्टिवेट करके एक बोल सकते हैं कि एक पावर उसके पास आ जाता था तो क्या संभव है कि वो अपना उस पावर का यूज नक्षत्र को देखने में या किसी चीज को डिस्कवर करने में कर सकते थे अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ ना कि मैं वो बातें ना बताऊँ मान लीजिए दो मिनट में बोला तो पूरा एक घंटा बर्बाद हो जाए फंडामेंटली बातें कही जा सकती है कि वो उसका प्रोसेस क्या है पूरे बुक में मैंने डिटेल में बताया है आ, लेकिन जैसे ही मैं ऐसी बातें बोलने लगूंगा फिर बड़ा अनसाइंटिफिक रियाल आ जाएगा फिर आ जाएगा कि मानू या ना मानू होता होगा नहीं होता होगा किसने देखा है ठीक है तो इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसमें आता है प्राण प्राण को साइंस नहीं समझता है प्राण जो शब्द है है ना ठीक है तो जो बॉडी की एनाटॉमी है वो पांच लेयर में काम करती है ठीक है अन्नमय कोश वट एवर यू ईट यू बिकम जो आप खाते हो वही फंडामेंटली ब्लड सेल्स ब्लड बनता है, है ना जो आप खाओगे वैसा शरीर बनेगा उसके बाद आता है मनोमय कोश जैसा मन को फीड आप करेंगे ए आई ड्रिवेन रील्स को आप देखेंगे तो वर्ल्ड व्यू आपकी ए आई डिसाइड कर रहा है इसीलिए ऋषि इंटेलिजेंस है पहली बात आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं आपकी जो समझ है उसको अल्टर कर रहा है ए आई रील्स के थ्रू तो मनोमय कोष चेंज हो रहा है आपका तीसरा होता है हम कहते हैं कि प्राणमय कोष जो हम कहते हैं कि माउंटेन्स के पास गए और बीच के पास गए तो बड़ा चेंज हो जाता है हमारा माइंड जो है ना सोलो ट्रिप और टूर करने का क्यों मन करता है क्योंकि प्राण शक्ति वहां की अलग होती है प्राण अलग होता है वहां का जो मन को इन्फ्लुएंस कर देता है फिर हम कहते हैं विज्ञानमय कोश जिसका संबंध बुद्धि से और एक खता है आनंदमय कोश तो ये कोश है कोश मतलब शीत कवरिंग इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो कौन, मतलब कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्राडिक्ट्री और यहां से संप्रदाय बंटना शुरू हो जाता है आत्मा उसके अंदर जो हम बात करते हैं ना तो बौद्ध जो है वो पुनर्जन्म को मानेंगे बट बोलेंगे आत्मा जैसी चीज नहीं होती है हिंदू में कहेंगे कि आत्मा होती है ठीक है तो आत्मा को सराउंड किया पांच लेयर ठीक है तो हम आत्मा को कभी यूज नहीं करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज करते हैं मतलब डायरेक्टली जो है उसका जो जो हम बोलते हैं तो आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ना भी है उसमें धारणा प्लस ध्यान प्लस समाधि करनी होती है तो बॉडी की एनाटॉमी पता चल जाती है मैंने क्या कहा कि समाधि में क्या होता है कि डाइकोटॉमी खत्म हो जाती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंस खत्म हो जाता है आप वही बन जाते हैं फंडामेंटली आंख जो देखता है वही आपकी वर्ल्ड व्यू जैसे बनती है उसी तरह जिसमें आपने समाधि लगाई है वही आप बन जाते हैं तो आपको पूरा पता चल रहा है तो हम लोग शरीर को काट करके ऑर्गन्स को नहीं देखे हैं कहां पर क्या है मतलब तो आयुर्वेद खोलेंगे आप तो जिसको नहीं पढ़ाया जाता एकदम शुरुआत में कि इक्यासी हजार ऋषि और इक्यासी ऋषि बैठे हैं वो सब लोग समाधि में है और एक है भारद्वाज ऋषि जो उनके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेंगे तो इक्यासी लोग मिल करके क्यों क्योंकि एक जो है उसमें एरर होगा ना एक कोई ऑब्जर्व करके उसको कुछ बताएगा तो उसमें एरर आएगा तो तीन होंगे दस हजार होंगे बीस हजार होंगे तो सबके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन किया जाएगा उसमें जो कॉमन पॉइंट है उसको इंड्यूस किया जाएगा इन्फर किया जाएगा तो सुषुमना का जो कॉन्सेप्ट आपने शब्द जो प्रयोग किया है तो प्राण को नहीं अप्रिशिएट करता साइंस तो नाड़ी को भी नहीं करता है जो हम कहते हैं कि बहत्तर हजार नाड़ी है, है ना वो वेन्स नहीं होता है और आर्टरी नहीं होता है तो उसमें हम कहते हैं कि जो प्राण है बेसिकली जो ऊपर और नीचे हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ईडा और पिंगला जो नाड़ी है उससे हो रही है तो उसको जब आप यूज करना बंद करेंगे तभी मन जो है यूज होना बंद होगा और सुषुमना से आप जीवित रहते हैं बेसिकली एक नाड़ी है जिसको यूज करेंगे तो मन को भी बंद कर दिए ईडा पिंगला को बंद कर दिए और सुषुमना को कंटिन्यू करिए तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्टिविटी आती है अब ये रियल अनसाइंटिफिक क्यों है क्योंकि साइंटिफिक मतलब क्या होता है रिपीटेबल टीचेबल doable। एक सीरीज ऑफ टेन स्टेप्स को आपने फॉलो किया बार बार अगर करेंगे तो हर बार ग्यार रिजल्ट आ सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द साइंटिफिक रियाल अब योग के साथ क्या है क्योंकि मेटाफिजिक्स में पुनर्जन्म भी आ गया साइंस जिसको नहीं मानता है, तो दस व्यक्ति को अगर योग सिखाया जाएगा तो कोई एक ही समाधि भी प्राप्त कर सकता है किसी एक को प्रत्याहार भी ना मिले मतलब सेम टीचिंग दिया जाए सेम लर्निंग दिया जाए लेकिन वो अचीव नहीं कर पाएगा सेम रिजल्ट तो कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा वो डेटा तो हम उसको बोलेंगे कि अनसाइंटिफिक है लेकिन वो फॉल्स नहीं है यहीं पे जो रियल माता जो हम बोलते हैं कि जो रैशनल नहीं लग रहा है साउंड नहीं कर रहा है रैशनल लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि फॉल्स होगा बट बुक के शुरुआत में मैंने बोली कि लॉजिक कहां रुकता है देखिए लॉजिक का बड़ा फंडामेंटल रूल है बहुत बेसिक रूल है दो दोस्त बैठे हुए हैं दोनों को ऊपर नहीं देखना है और बताना है कि पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है तो एक ने कहा कि साउंड नहीं आ रही है तो कहा कि पंखा नहीं घूम रहा है एक ने कहा हवा नहीं लग रही है तो पंखा नहीं घूम रहा है फिर दोनों को बोला गया नहीं आप ऑब्जर्व करो लॉजिक मत लगाओ सीधा पंखा को देखा तो बोला घूम रहा है तो बोला इसमें हुआ क्या बोला लॉजिक जो है वो एक्सपीरियंस को फॉलो करता है अनुभव को जितना भी अनुभव होगा आपका जिस भी डोमेन में उसका बेहतर लॉजिक आप लगा पाओगे लॉजिक हमेशा एक्सपीरियंस अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष को फॉलो करता है आपने अगर कभी नहीं देखा होगा ना आग और धुएं को एक साथ तो आप कभी आप देखोगे तो आग और धुआं आपको अलग अलग लगेगा क्योंकि आपके अनुभव में नहीं है तो ऋषि क्या कर रहे हैं कि लॉजिक अगर सुदृढ़ करना है स्ट्रांग करना है तो आपके अनुभव के डायमेंशन को पहले बदलो तो जो अनुभूति में नहीं होगा ना उसको हम मानेंगे नहीं इसलिए हम वेद को नहीं मानते हैं क्योंकि मेरे हम जीते नहीं है वैसे हम वैसे वर्ल्ड व्यू में नहीं है तो वैसी चीजें हो नहीं रही है हमारे साथ में इसीलिए हम मानेंगे नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस में नहीं है और मैं ऋषि इंटेलिजेंस बुक क्यों लिखता हूं क्योंकि समाधि तो नहीं लेकिन जो धारणा के शुरुआत वाला जो पार्ट है तो एक पॉइंट ऐसा आता है मेडिटेशन के बाद कि उठने का हमको मन नहीं कर रहा था अब ये बड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट्री है कि बैठे हैं जो पांच साल पहले लग रहा है कि कब उठने का मौका मिले और एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि शरीर हिलाने में मेहनत करना पड़े हिले ही ना शरीर तो ये कुछ ऐसा है जो ना सुने थे ना एक्सपीरियंस किए थे तो जब अनुभव आपको मिलेगा तब वो लॉजिक आपको थोड़ा साउंड करेगा रैशनल लगेगा कि हां इसीलिए मैं बोला कि कुछ बातें उसको हम लोग डिटेल में नहीं बात करते हैं क्योंकि वो आप मानेंगे भी नहीं और फिर वो बाकी जो डिस्कशन हमने किया था वो भी रिलेवेंट हो जाएगा तो ये पॉसिबल है और एक और श्लोक बहुत जबरदस्त आता है भूतो जया करके पतंजलि योग सूत्र में उसमें मतलब वो कुछ ऐसा है कि मेडिटेशन जो है जनरेशनल डीएनए का जो जो हेरिडेटरी है उसमें भी चेंजेस ला सकता है तो फंडामेंटली पूरा का पूरा एक मेडिटेशन किसी ने अगर 20 साल किया है तो उसके आने वाली जनरेशन वो अलग ही हो जाएगा ठीक है तो जो कॉन्शियसनेस है सोचने का तरीका है वो सब बदल जाता है और विवेकानंद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो गन्ने का रस जैसे निकालते हैं मशीन से तो जो फ्लाईवील होता है वो होता है श्वास हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते थॉट को कंट्रोल कर नहीं सकते प्राण को कंट्रोल कर नहीं सकते तो बस कंट्रोल के लिए एक ही चीज़ है श्वास ये ऐसी चीज़ है जो इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है तो बड़ा फंडामेंटल टूल है कि श्वास पे कंट्रोल अगर आप करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रिकलिब्रेट करते हैं तो प्राण इन्फ्लुएंस होता है मन इन्फ्लुएंस होता है बॉडी इन्फ्लुएंस होता है ठीक है तो ऑब्वियसली बस ब्रीदिंग से बहुत चीज चेंज होता है और जो कहते हैं कि गन्ने से फिर जो रस निकल रहा है तो एक फ्लाई व्हील को घुमाते हैं बट वो एनर्जी ट्रांसफर होता है तो इस तरह से हमारा जो बॉडी एनाटॉमी है बड़ा कॉम्प्लेक्स और कनेक्टेड है क्योंकि बियॉन्ड फिजिकल हो जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है और इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा तो ना उसका बिग डेटा बनेगा ना उसका एल्गोरिथम बनेगा

वो समाधि में में फिर से तो इसके बारे क्या कहती है वही जो ईडा पिंगला पे हमने बात की हम लोग कोई जीवित है उसको कैसे नापेंगे हार्ट बीट से और ब्रीदिंग से नहीं दिखेगा तो डेड बोलेंगे बट समाधि का जो एपिटोम है उसमें देखिए हार्ट बीट अगर यूज होगा तो उसको एनर्जी लगेगी एनर्जी लगेगी तो फूड चाहिए फूड चाहिए तो मेडिटेशन तोड़ना पड़ेगा तो फंडामेंटली एनर्जी का जो पूरा रिक्वायरमेंट है उसको एकदम मिनिपलिस्टिक अगर नहीं करेंगे हम तब तक हम लंबा समाधि में नहीं बैठ सकते लंबा ध्यान में नहीं बैठ सकते मतलब सिर्फ सूर्य का मतलब जो है जैसे फोटोसिंथेसिस से सिर्फ प्लांट चल रहा है तो उस उतने से ताकि बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे तो वो क्लेम करना है कितना उस पर तो नहीं पता सच है कि झूठ है बट ऑब्वियसली हार्ट की फ्रीक्वेंसी और ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी को इतना लंबा किया जा सकता है कि पता ही ना चले मतलब वो एक महीने में एक बार हो रहा है तो उस समय कोई नहीं नाप तो रहा है तो डेड बोल रहे हैं मतलब ऐसा पॉसिबल है और ये जीवन बढ़ाने का भी बड़ा आसान तरीका मैं बता दू ब्रीदिंग के साथ हमारा काउंटिंग रहता है जितना सांस स्लो हो जाएगा प्रोलॉन्ग हो जाएगा उतना प्राण शक्ति ज्यादा होता है उतना लाइफ जो है प्रोलोंग हो जाता है तो जो शांत रहेंगे है ना जो फिजिकल जैसे जिम जा रहे हैं है ना तो 120 साल जरूरी नहीं कि वो जीवित रहे क्योंकि सांस जो है उसका बहुत ज्यादा यूज प्राण शक्ति बड़ा लिमिटेड सोर्स के साथ हम लोग जन्म लेते हैं सर यू टॉक्ड अबाउट अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक विच इज स्पेशली रेलेवेंट इन टूडेज लाइक टाइम्स बिकॉज Uh, you talked about the addiction. So uh, I'm sure most of us and uh, most of our like have that social media uh, addiction and uh, because of that uh, you talked about artificial intelligence how it is collecting data from us like even if we are talking and discussing about uh, something our cell phones are hearing that and they are c collecting data from that and they are using that data to lure us for example i am dis discussing about a shampoo so when i whenever i'll open my social media all the advertisements will display the shampoos and all and then coming to the reels reels are so much addictive like you will start watching a reel for like how to you know reduce your weight and then you are sitting on the chair for 2 hours watching reels of different things and of course that is not helping with your weight and all you should have exercised uh, in those at least 1 hours and also so how can this uh, ancient literature and rishi intelligence can help us cope the over like it can how can it help us cope with the artificial the ill effects of artificial intelligence and how can we reduce its impact on us one thing is that we can you know switch off our cookies uh, in our uh, google settings and all but i don't think that is enough still it's kind of captures our time and like we waste our time so can you guide our students and us about how can we get rid of the ill effects of artificial intelligence using the rishi intelligence or our ancient literature ओके, okay. सो so, एक जो ट्रेनिंग मैनुअल होती थी किंग मतलब महाराजाओं की राजा की या वैद्य की उसमें एक बड़ा फंडामेंटल होता था कि बचपन बच, की जो शिक्षा होगी उसका आउटकम क्या होगा 16 साल के उम्र तक का तो उसमें जो पहला आउटकम है वो है इंद्रिय निग्रह इंद्रिय जया अब वो क्या होता है कि सेंस ऑर्गन डिसाइड ना करें आप डिसाइड करें जैसे मॉल क्यों चलते हैं क्योंकि लाइटिंग बहुत जबरदस्त होती है और फूड पैकेजिंग ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कंपेयर टू फूड उसके अंदर क्या है तो आँख जो है सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि सेंसरी परसेप्शन में सबसे ज्यादा कैच करता है ठीक है तो हमारी जो डिसीजंस हैं वो सेंस ऑर्गन्स पहले मतलब परसीव करते हैं उसके बेसिस पर हम लेते हैं चाहे वो कार खरीदने से लेना हो चाहे कोई भी चीज़ हो हम देखते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं देन डिसाइड करते हैं वो मेरे ज़रूरत की है या नहीं है ठीक है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कथा उपनिषद में एक बड़ा जबरदस्त एक यमराज और नचिकेता के बीच में एक डिस्कशन है ग्यारह साल का बच्चा है नचिकेता ठीक है और यमराज गॉड ऑफ डेथ जो है उसके बीच में बातचीत चल रही है तो वो पूछता है कि मतलब तो मरने के बाद क्या होता है तो यमराज जो है घबरा जाते हैं बोलते हैं ये तो देवताओं को भी नहीं पता है तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो तो एक एक्सप्लेन करते हैं ठीक है बताना वो प्रारंभ करते हैं तो वो कहते हैं श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग पहले तो ये डिफरेंट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए श्रेय मार्ग मतलब होता अच्छा अच्छा तो इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह का एक करते एक करते हैं कैसे अच्छा टीचर होता है जो क्वालिफाई करवाता है लेकिन एक ऐसा टीचर होता है जिसका ह्यूमर इतना अच्छा होता है कि बच्चे इंजॉय बहुत करते हैं तो एक जो है वो भीड़ बढ़ाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का और एक जो है रिजल्ट क्योंकि हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी बच्चे आएंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो हैड वो कहते हैं कि हमें दोनों तरह के टीचर्स चाहिए क्योंकि हमें पता है कि सारे बच्चों का नहीं निकलेगा तो एक टीचर श्रेय मार्ग वाला है वो क्वालिफाई करवाएगा और एक है प्रिय मार्ग वाला बड़ा अच्छा लगता है बट एग्जाम नहीं निकल रहा है ठीक है तो पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करने की आदत होनी चाहिए कि क्या हमको अच्छा लगता है और क्या मेरे लिए अच्छा है यहां पर तो पहली बात हो रही है कि मन को तो यूज ही नहीं करना है तो मन तो फंडामेंटली एक बहुत खराब इंस्ट्रूमेंट है आज मेरा मूड ये कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए कल मेरा मूड ये कर रहा है तो, तो मूड के बेसिस पे डिसीजन तो होने ही नहीं चाहिए पहला तो ये हो गया दूसरा इंद्रिया निग्रह का क्या है जो कथा उपनिषद कहता है वो रथ की तरह एक एग्जाम्पल देता है कि रथ जो है उसमें जो बैठा हुआ है जो पैसेंजर है वो है आपकी आत्मा ये भगवदगीता में भी आता है और जो घोड़े हैं वो है सेंस ऑर्गन्स अब घोड़े को ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो रथ को तो कहीं ले नहीं जाएगा जहां चना दिखेगा वहां घोड़ा चला जाएगा सारथी को आपने मैप दे दिया सारथी को बुद्धि कहा जाता है सारथी को मैप दे दिया गया फिर भी मैप देने से वो जाएगा नहीं रथ तो हम कहते हैं कि लगाम जो घोड़े और सारथी के बीच में है लगाम उसको हम लोग कहते हैं मन ठीक है तो पैसेंजर सही जगह तब जाएगा जब लगाम कंट्रोल में होगा ठीक है और मन को कंट्रोल करने के लिए प्राण कंट्रोल करना पड़ता है और प्राण को कंट्रोल करने के लिए श्वास कंट्रोल करना पड़ता है एज सिंपल एज दैट तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है ब्रीदिंग पे ही पूरा पूरा काम करना आप दो महीना करके देखिए आपका जो है पूरा बिहेवियर ही मतलब बिहेवियरल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा तो फंडामेंटली जब हम किसी को बोलते हैं कि सच बोलो या बच्चे को भी बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए उसके साथ मिसबिहेव मत करो ये सारे इनपुट्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि कॉग्निशन सेंटर जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार चार पांच चीज़ों से होके जा रहा है वो फिल्टर होते होते ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डाइल्यूट हो गया इसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो प्राण करता है प्राण जिसका जबरदस्त होगा उसका श्वास भी जबरदस्त होगा और उसका जो बिहेवियर है उसके कंट्रोल में आ जाएगा उसको पता चलेगा कि मेरा पाँच मिनट हो गया है रील्स का अब बंद करना उसको पता चल रहा होगा तो अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है अवेयरनेस जितना राइज होगा आपको उतना कॉन्शियस हो जाएंगे उतना कंट्रोल में आपका जीवन आ जाता है इट वॉज अ वेरी थॉटफुल एंड वेरी न्यू आई विल से द टॉक सो द क्वेश्चन फॉर द टुडे टूडे आस्किंग इज जस्ट हम सभी वेदर वी आर टीचर्स और स्टूडेंट्स वी आर बिजी विद सो मेनी थिंग्स इन लाइफ और जो ये योग और ऋषि इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो इफ़ यू बिकॉज अगर हम टाइम नहीं देंगे और पेशेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी इवन जो हम uh, समझना चाहेंगे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे उसको तो आप मतलब कुछ ऐसा अगर हमको गाइड कर सकें या कुछ बता सकें जिससे हम इसको अपनी लाइफ में कर सकें ला सकें डेली टू डेली दे, लाइफ में अगर हम इसको ला सकें छंदुग उपनिषद आता है वो बड़ा वो ह्यूमन बिहेवियर पे बात करता है कि श्रद्धा कब आती है इंक्लाइनेशन की वो करना है तो बोलता है जिसमें क्यूरियोसिटी uh, है जिज्ञासा है बोला जिज्ञासा किस में आती है जो कुछ सॉल्व करना चाहता है तो बोला सॉल्व कौन करना चाहता है बोला जो फंसता है जो प्रॉब्लम में होता है और प्रॉब्लम में क्यों होता है उसका डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से प्रॉब्लम्स खड़ा होता है उसके डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अगर उसको हम थोड़ा सा समझें उसको हम अगर एक्सप्लोर करें तो सारा कोर्स ऑफ एक्शन मेरा चेंज हो जाएगा अब इस बुक में मैंने जो बताया कि ऋषियों का जो सबसे ब्रेक थ्रू था साइकोलॉजी में वो ये था कि आनंद हमारे अंदर होता है इसका एग्जाम्पल मैं दूं कि आप बीच में बैठे हो बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन अचानक से कोई ऐसा मैसेज आ जाए घर से या कुछ ऐसा गलत मतलब ऐसा मैसेज आ जाए जो आपको दुखी कर दे वो बीच और माउंटेन का प्रभाव जीरो हो जाएगा ठीक है है ना आप क्रिकेट मैच अकेले देख रहे हैं और ग्रुप में देख रहे हैं इन्फ्लुएंस देखे कैसे चेंज हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि ऋषि कह रहे हैं कि आनंद मै इज इनहेरेंट इन यू ठीक है तो पहला तो यह है कि डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस डिपेंडेंसी अगर किसी और चीज पे है तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो आपको एक चैलेंज देता है चैलेंज से एक प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अगर सीख गए हैं इसलिए हु एम आई का जर्नी हमारा फंडामेंटल बोला जाता है कि आप कौन है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए एक महीना दो महीना पांच साल छह साल जितना देंगे वो आपके बिहेवियर्स को चेंज करेगा ठीक है तो आप फंसेंगे तभी आप झुकेंगे आयुर्वेद का जो डेवलपमेंट है वो कोविड में इतना राइज क्यों किया क्योंकि प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन देखे कि कहीं नहीं मिल रहा है तब आयुर्वेद के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ा तो उसी टाइप से जब आपका डिसऑर्डर्स आएगा मेंटल डिप्रेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तब लगेगा इसका सॉल्यूशन करना चाहिए तब लोग ज्यादा सीरियस होते हैं योग करने के लिए और जब ने नॉर्मल लाइफ चल रहा होता है तो उतना इंक्लाइनेशन नहीं होता है लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट हमने दिया कि दिस इज नॉट फॉर हेल्थ अब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए योग है योग मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस परस्यूट से अगर हम इसमें आते हैं तो पूरा लाइफ जो है मेरा बदलने की कैपेसिटी रखता है ये ठीक है तो विश्वास का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यह आता है कि वो ऐसे डेवलप होगा नहीं है ना वो एक लोगों को करते हुए आप देखेंगे तब भी आएगा ठीक है तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और अगेन ये इंक्लाइनेशन डिसाइड करेगा कि आप कहा जन्म लिए हैं सर्कल आपका क्या है क्या आप पढ़ते हैं तो यम और नियम जो मैंने बताया था उसमें एक स्वाध्याय बहुत पार्ट आता है आप योग नहीं भी करें पढ़ते रहिए किसी एक दिन आप सीरियस हो जाएंगे मतलब माइंड को फीड करते रहिए डेटा से फिर उसका एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा